आज की ये सत्य घटना सुनकर आप ये जरूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो लोग लड्डू गोपाल करते हैं, तो क्या ये केवल एकमात्र मूर्ति है या इसमें प्राण बसते हैं? किसके प्राण, भगवान के या भक्त के? जिन्होंने इस सत्य घटना को बताया है उन्होंने खुद ही ये एक्सपीरियंस किया है, नास्तिक से आस्तिक होने तक का सफर तय किया है, और इसे सुनने के बाद ना आपको अपने भगवान पे विश्वास और थोड़ा बढ़ जाएगा। वो बताती हैं कि मैं यूपी की रहने वाली हूँ। वो कहती हैं कि एक बार मैंने अपने आसपास के लोगों को लड्डू गोपाल की पूजा करते हुए देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं बाजार जाकर लड्डू गोपाल को लेकर आ गई। जब मेरी सासू माँ ने ऐसा देखा तो वो गुस्सा हो गई और कहने लगी, किससे पूछकर तुम लड्डू गोपाल को लाई? तुम जानती भी हो लड्डू गोपाल के लिए कितने नियम करने पड़ते हैं, कितनी सेवा करनी पड़ती है। थोड़ी देर सास ने गुस्सा किया मगर आस्था थी तो उन्होंने सब समझाया कि किस तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा करना। अब वो बहुत एक्साइटेड थी तो कुछ दिन तो उन्होंने मन लगाकर सेवा करी, मगर कुछ दिन बाद हालत ऐसी हो गई कि उन्हें बोझ लगने लगे। कहने लगी, कौन सुबह सुबह उठे, खुद नहाए, फिर लड्डू गोपाल को नहलाए और पूरा दिन तो मेरा ऐसे ही निकल जाता है, मैं तो अपना कोई काम भी नहीं कर पाती, अब इस लड्डू गोपाल का क्या करूं? यही सोच सोच के उसने अपने मायके फोन लगाया। मायके में उसकी छोटी बहन ने फोन उठाया। जब उन्होंने सारी बात बताई तो छोटी बहन ने कहा, कोई बात नहीं, आप लड्डू गोपाल मुझे दे दो दीदी, मैं उनको अपने पास रखूंगी और उनकी सेवा करूंगी। तो उन्होंने कहा, ठीक है, शाम को उनके हस्बैंड आएंगे, लड्डू गोपाल को तुम्हारे पास लेके आ जाएंगे। और शाम को उन्होंने सारा सामान लड्डू गोपाल का पैक किया और लड्डू गोपाल को अपनी बहन के घर जाने के लिए विदाई दी। जब वो उनकी छोटी बहन के घर पहुंचे लड्डू गोपाल, तो बहन ने लड्डू गोपाल को अच्छे से सजाया संवारा। जब उनकी मम्मी पापा ने देखा तो बोलने लगे, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? पहले तो माँ ने काफ़ी गुस्सा किया कि तुम खुद को तो संभाल पाती नहीं हो, इसका क्या करोगी, और ये क्या है लड्डू गोपाल, हमने तो कभी नहीं सुना। हालांकि उस लड़की ने कई बार, जिन्होंने बताया, उनकी बहन ने कई बार कहा कि माँ मैं कर लूँगी, लेकिन जो उनकी माँ थी वो मानने को तैयार ही नहीं थी। ये शोर सुनकर उनके पिताजी भी बाहर आए और पूछा, क्या चल रहा है? जब पता लगा तो कहा, अरे बेटा, हम लड्डू गोपाल ये सब नहीं मानते, और तुम तो कह रही हो ना कि इनमें प्राण बसते हैं, ये बच्चे की तरह होते हैं, तो देखें तुम्हारे लड्डू गोपाल में कितने प्राण हैं। और ऐसा कह के वो छत पे गए और छत से उन्होंने लड्डू गोपाल को नीचे फेंक दिया। वो भागकर बाहर गई और लड्डू गोपाल को उठाया। उठाते हुए देखकर उनके पिताजी ने कहा, क्या हुआ, ये बच्चे की तरह रोए क्यों नहीं, बच्चे को दर्द नहीं हुआ? और ऐसा कह के लड्डू गोपाल छीने और उनको जमीन में घिसने लगे, पटकने लगे। वो लड़की बहुत रोई और अंततः उन्होंने लड्डू गोपाल को अपने मम्मी पापा के हाथ से लेकर कहा, आप लोग इससे दूर ही रहिए, मैं कर लूंगी जो मुझे करना है। वहीं जिन्होंने ये घटना बताई वो बताती हैं कि उसी रात से, हालांकि वो कुछ जानती नहीं थी, उसी रात से उनके पति की तबीयत खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया आनन फानन में, तो वो वहां पर बेड से कूद जाते नीचे और अपने सिर को जमीन पर पटकने लगते, जैसे कि पागल हो गए हों। डॉक्टर ने सारे चेकअप किए मगर कोई भी रिजल्ट नहीं आया। पूरे फैमिली ये सोचकर शॉक थी कि अब क्या करें। उन्होंने सारी कहानी अपने मम्मी पापा को बताई। मम्मी पापा भी काफी परेशान हुए कि अचानक से उनके दामाद को क्या हो गया, और उन्होंने ये बात उसको नहीं बताई कि ये तो पहले ही लड्डू गोपाल के लिए पागल है, इसे बताना ही क्या। जब बाद में बताती हैं कि ये बात मैंने अपनी बहन को बताई तो मेरी बहन ने कहा कि इसी तरह का व्यवहार मम्मी पापा ने मेरे लड्डू गोपाल के साथ किया था। उस समय तो वो कुछ समझ नहीं पाती हैं, लेकिन जब अपने एक हफ्ते बाद अस्पताल को फाइनली अस्पताल से उनके पति डिस्चार्ज होते हैं, अस्पताल को बाय बाय कहके घर जाती हैं, तो वहाँ पे कुछ लोग उनसे कहते हैं, तुम्हारे पास तो लड्डू गोपाल थे ना, वो कहाँ गए? और वो सब बात समझ जाती हैं, अपनी बहन को दोबारा कॉल करती हैं और उससे पूछती हैं, क्या लड्डू गोपाल के साथ ऐसा ऐसा हुआ था? और उनकी बहन हूबहू हाँ में हाँ मिलाती जाती है। तब वो समझ जाती हैं कि जो ये सब कुछ हुआ है ना,
कि किसी के प्राणों को कष्ट देने का ही नतीजा है, किसी के कुकर्म का नतीजा है। वो अपने माँ के घर जाती हैं तुरंत, उन्हें सब हाल बताती हैं, उन पर बहुत बहुत ज़्यादा नाराज होती हैं और अपने लड्डू गोपाल को अपने घर वापस ले आती हैं। जब वो अपने लड्डू गोपाल को घर लाती हैं तो उनसे क्षमा याचना करती हैं, उनके घावों पे मरहम लगाती हैं, और ऐसा करते करते जैसे जैसे लड्डू गोपाल ठीक होने की अवस्था में आ रहे थे, उनके पति भी ठीक होने लगते हैं। वो कहती हैं, हालांकि ये वाक्य कभी भूलने लायक नहीं है, लेकिन मैं अपनी गलती समझ गई समय से और जान गई कि मैंने क्या गलत किया था। इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा धन्यवाद है, भगवान से धन्यवाद है कि उन्होंने मेरी गलती को इतने में ही क्षमा कर दिया। और उस दिन से वो लड्डू गोपाल की ज़्यादा सेवा करने लगी। वो ये मान गई कि जो ये मूर्ति होती है ना, ये केवल मूर्ति नहीं, इसमें प्राण बसते हैं, भक्त के भी और भगवान के भी। तो हमेशा अपनी आस्था को उस भगवान पर बना के रखिए। अगर आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो पहली शुरुआत आपसे होगी। आप कितने सेवा भाव से अपने प्रभु को पूजते हैं। परीक्षा तो ज़रूर होती है सफलता से पहले। अगर ये छोटी सी कहानी पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट पे लिखते हुए जाइएगा श्री कृष्णा राधे राधे।